सरकारी कर्मियों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये सरकारी कर्मी धरती के भगवान यानी डॉक्टर हो तो शायद यकीन करना मुश्किल है। जब दिन का तापमान रात में मिल रहा हो, ऐसे में जिंदगी कैसे कट रही है ये किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके आज जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ जनपद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ हड्डी वार्ड में पिछले 2 दिन से एक लावारिस व्यक्ति को भर्ती कराया गया है जिसकी टांग की हड्डी टूटी हुई है। इसका इलाज के बजाय इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जो कि इतनी भीषण ठंड में जमीन पर पड़ा कर्रा रहा है। यही नहीं, इस पर किसी की नजर ना पड़े दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया गया है। जब इसकी तकलीफ यहाँ के सफाई कर्मियों से देखी नहीं गई तो चुपचाप मीडिया कर्मियों को बताया गया। वहीं जब सीएमएस से इस बारे में पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब मिला कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जाँच की जाएगी। इसमें ऐसा है, एक अज्ञात मरीज जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, ये मरीज दिनांक 30/12/2017 लगभग 12-13 दिन पहले 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था। उसके बाएं हाथ की बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है, जिसका आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा इलाज किया जा रहा है। आर्थोपेडिक सर्जन ने उसका 2 बार प्लास्टर चढ़ा दिया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है मरीज, वो दोनों बार प्लास्टर अपने हाथ से ही तोड़ देता है, निकाल देता है और इधर उधर टहलने लगता है। तो कल यही वाकया हुआ कि उसने प्लास्टर अपने हाथ से खोल के वार्ड में टॉयलेट के लिए जाने लगा, इतने में वो गिर पड़ा। गिरते ही हमारे अस्पताल के कर्मचारी आए, उन्होंने तुरंत उस पर बिस्तर पर लिटाया और मैं खुद आया, मैंने अपने सामने हड्डी वाले आर्थोपेडिक सर्जन को बुला करके उसकी बैंडेज स्प्लिंट सारी करवाई गई और तुरंत उसको इमरजेंसी वार्ड में नीचे शिफ्ट कर लिया गया है। अच्छा, वो अकेला मरीज पूरे वार्ड के अंदर था, बाहर से किवाड़ लगे थे इस पर? नहीं, बाहर से कोई किवाड़ नहीं लगे हुए थे, बाहर से जाली के दरवाजे बंद थे, सटकनी वगैरह कुछ नहीं लगी हुई थी, चारों तरफ से खुला हुआ था। अरे कहीं ना कहीं फोर्थ क्लास के कर्मचारी की कमी तो मानते हैं? नहीं, फोर्थ क्लास के कर्मचारी की कमी नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त है इसलिए वो गिर गया। उसको तुरंत फोर्थ क्लास ने हमारे लिटाया और उसका तुरंत उपचार किया गया और उसको फिलहाल इमरजेंसी में वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है, जिससे वो 24 घंटे देखरेख में रहे।